नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, मैंने नित्य बेल वृक्ष की पूजा को लेकर जो वीडियो मैंने बनाया है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो सवाल मुझे आ रहा है जिस विषय को लेकर, मैंने वहाँ पर ये उल्लेख किया है कि चतुर्दशी तिथि को, अष्टमी तिथि को जो है बेल वृक्ष जो है वो चयन यानी कि तोड़ना, बेल वृक्ष से पत्र जो है, बेलपत्र जो है वो तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रोक्त अगर नियम की हम बात करें तो शास्त्रोक्त निषेध के मूल चार तिथियां खास कर कही गई है, अष्टमी तिथि, चतुर्दशी तिथि, उसके साथ साथ जो है अमावस्या और किसी भी संक्रांति जो है, कई लोग पूर्णिमा में भी नहीं तोड़ते, पर ये जो चार दिन हैं ये खासकर जो है शास्त्र में कहा गया है कि अष्टमी को, चतुर्दशी को, अमावस्या को और किसी भी संक्रांति को जो है बेलपत्र तोड़ना नहीं चाहिए बेल वृक्ष से, क्योंकि माना जाता है इन दिनों में और सोमवार के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़े जाने चाहिए। इसके पीछे का कारण ये होता है कि इन दिनों में माना जाता है कि ये सभी व्याख्या चतुर्दशी शिव जी के है, अष्टमी माँ की तिथि, अमावस्या माँ की तिथि है और संक्रांति के दिन में जो है, संक्रांति के दिन में लक्ष्मीनारायण की भी पूजन होता है, तो एक प्रकार से तो वैसे बेल वृक्ष जो है माता लक्ष्मी के भी निवास आप बोल सकते, इसलिए इसे श्री वृक्ष भी कहा जाता है। तो इस कारण से ये माना जाता है कि शंकर पार्वती जो है इन दिनों में, अष्टमी के दिन, चतुर्दशी, मतलब इन दिनों में जो है वो बेल वृक्ष में निवास करते हैं, तो इसलिए बेल वृक्ष से पत्ते जो है इस समय तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम शास्त्रोक्त विषय की बात करें तो, मतलब निषेध की अगर हम बात करें तो उसमें यही विषय कि शंकर जी और माता पार्वती जो है वो बेल वृक्ष में निवास करते हैं इन दिनों में, तो इसलिए जो है पत्र को चयन नहीं करना चाहिए, यानी पत्र जो है वो नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उस समय भी जो है एक प्रकार से बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि माना जाता है माँ जो है उस समय बेल वृक्ष में विश्राम करते हैं, तो इसलिए उस समय बेल वृक्ष की जो है पत्ते जो है वो नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे, मतलब ज़्यादातर तो ये सवाल आते रहते हैं कि बेल बोधन आती, तो बेल बोधन तो माँ जो है बेल वृक्ष में जो है विश्राम करती है, तो इसलिए जो है नवरात्र के दिनों में भी जो है ना वो बेल के जो पत्ते हैं वो तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये एक समस्या इस प्रकार से, क्योंकि जितने भी मुझे मेल मिले उसमें मुझे जैसे ये कहा गया कि दादा ये अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन, इन्हीं दिनों में तो ही जो है ना बेलपत्र की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ऐसा हो भी सकता है कि हमें जो, हम जो है पहले से उतना सारा बेलपत्र संग्रहित करके ना रख पाए, तो इन दिनों में ही हमें जो है बेलपत्र लेना पड़ सकता है, तो क्या वो दोष हो जाएगा, पूजा में दोष हो जाएगा? और जो हम बाज़ार से लेकर आ रहे हैं पत्र आदि, तो उन लोगों को जो लोग फूल बेच रहे हैं, फूल पत्र आदि बेच रहे, तो उन्हें तो ना ही पता हो सकता है, तो उन्होंने तो अमावस्या के दिन ही तोड़ लिया होगा, उन्होंने तो जो है अष्टमी के दिन भी तोड़ लिया होगा, तो हम उसी पत्र से तो पूजा कर रहे, तो उस पत्र में भी तो दोष लग गया ना एक प्रकार से, तो अगर उससे भी हम कर रहे तो क्या उससे दोष लगता है या नहीं? तो एक विषय, इस विषय को लेकर बहुत पहले एक बार जो है एक्चुअली मेरे एक सर से बात हो रहा था, वो कॉलेज में संस्कृत पढ़ाते हैं और खुद अपने परिवार में, मतलब उनके घर में जो है वो लगभग 14 साल हो गया होगा, वो उनके घर में जो है वो जगधात्री पूजा करते हैं, तो उनसे मेरी चर्चा होती रहती है इन सारे विषयों को लेकर। तो इसी विषय पर मैं बात कर रहा था कि हाँ बेलपत्र जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है देवी पूजन के लिए, तो देवी पूजन में हो ही सकता है कि अष्टमी के पहले जो है वो संरक्षित उतने तरीके से ना करके रखा जा सकता है। वैसे तो बेलपत्र की अगर शास्त्रोक्त विधान हम माने तो बेल, जो हम बेलपत्र चढ़ाते उसे धोकर दोबारा चढ़ाए जा सकते हैं, सूखे हुए बेलपत्र भी चढ़ाए जा सकते हैं, 15 दिन तक धोकर या फिर सूखे हुए बेलपत्र जो है एक पक्षकाल तक जो है वो चढ़ाया जा सकता है। ये भी शास्त्र में कहा गया है कि बेलपत्र जो है अगर अलाभ होता है, मतलब बेलपत्र नहीं मिल रहा है, तो एक ही बेलपत्र को शिव जी को या फिर माँ के पूजन में जो है वो बार बार चढ़ाया जा सकता है एक पक्ष काल तक जो है।
इन दिनों में हमें बहुत से बेलपत्रों की ज़रूरत होती है, हमें माला बनानी होती है, हमें जो है यज्ञ आहुति देनी होती है, हमें जो है बेलपत्र आदि निवेदन करना होता है, महापूजन में तो कई सारे विधि होते, और नवरात्रि के दिनों में ही अगर जो है हम बेलवृक्ष से पत्र ना ले पाए तो 9 दिन के उतने सारे पत्ते जो हैं हम इकट्ठा कैसे करके रख सकते हैं। तो उनसे बात में उनका जो कहना था वो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था उस समय, और बहुत मतलब वो बहुत पॉइंट में मुझे समझाए थे इस विषय को, तो इसलिए मुझे लगा कि यही विषय जो है आप लोगों से भी शेयर करते हैं, आप लोगों को भी शायद इस विषय का उपकार मिलेगा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे हर कार्य जैसे निषेध होता है उसके साथ साथ क्षमा प्रार्थना के साथ भी कई कार्य किए जा सकते हैं, तो हम जो है धूप दीप आदि से अगर क्षमा प्रार्थना करते हुए जो है कि हे माता अंबिका या फिर हे महेश्वर, हम जो है आपके पूजन के लिए ही अधिक हमें बेल पत्र की आवश्यकता है, ये प्रार्थना करते हुए जो है हम देखिए क्षमा प्रार्थना ना कई प्रकार से शास्त्रों में वर्णित है कि हम जो है अगर हमें कोई निषेध कार्य करना पड़ रहा है तो हम क्षमा प्रार्थना के माध्यम से जो है, ये शास्त्रों के कई कई भागों में इसके वर्णन है कि क्षमा प्रार्थना के माध्यम से हम जो है निषिद्ध कार्य को कर सकते हैं, पर हाँ ये देखना होगा कि उसकी आवश्यकता क्या है। अनावश्यक तौर पर जो है वो कार्य नहीं किए जा सकते, आवश्यकता अगर मतलब आवश्यकता यानी कि ज़रूरत हमारी है तभी जो है क्षमादान के चलते जो है वो कार्य किए जा सकते हैं, ये एक विषय है। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि अगर जो है बहुत सारी आवश्यकता है और आपको अपने गृह से सबसे अच्छा यही होता है, देखिए बाज़ार से क्या हो रहा है वो तो हम नहीं जान सकते, तो हमें जो है बाज़ार के उस पत्र को लेकर उसी तरीके से पूजन करना चाहिए, जो भी शोधन आदि करके जो है बस पूजन हो गया, या फिर जो है हम छोटे से क्षमा प्रार्थना वहाँ पर भी अगर चाहे तो कर सकते, पर हम अगर अपने घर के वृक्ष से या फिर पौधे से जो है बेल पत्ते ले रहे हैं तो उसमें जो है हम धूप दीप आदि से जिस तरीके से मैंने पूजन आपको बताया उस प्रकार से जो है हम क्षमा प्रार्थना करके जो है ना महेश्वर से माता अंबिका से हम क्षमा प्रार्थना करके ये बोल सकते कि हम जो है आपके पूजन के लिए ही जो है पत्र ले रहे हैं हे माता, या फिर जैसे कि बोधन जब किया जाता है ना तो जब छेदन किया जाता है जो वृक्ष में जो फल होता है उसके छेदन किया जाता है तो उसके पहले भी क्षमा प्रार्थना होती है, और ये कहा जाता है कि माँ आपके पूजन के लिए जो है हम ये छेदन कर रहे हैं, फल छेदन कर रहे हैं, नवपत्रिका में जो है उस फल को जोड़ा जाता है और पूजन जो है कंटिन्यू जैसे होता है सप्तमी के दिन से, तो षष्ठी के दिन जो बेल वृक्ष में जो जोड़े जो बेल फल होते मतलब युग्म बेल फल होते हैं उनके पूजन आदि करके क्षमा प्रार्थना के साथ उसे छेदन किया जाता है, तो इससे अपराध नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर क्षमा प्रार्थना विधि के साथ जो है पूजन करके वहाँ पर उसे लिया जा रहा है। तो बेल पत्ते अगर आपको जो है चयन करना है इन दिनों में नवरात्रि के दिनों में आप अपने घर के पेड़ से कर रहे हैं, मैं बाज़ार के यहाँ पर विषय में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो जिस तरीके से हमें मिलता है हमें उस तरीके से ही करना पड़ेगा, पर अगर आप घर के पेड़ से या फिर पौधे से जो है पत्र ले रहे हैं तो वहाँ पर क्षमा प्रार्थना के साथ जो है धूप दीप आदि अरात्रि करके जो है, क्योंकि अरात्रि करने से सारी चीज़ों की दोष मुक्ति होती है। तो क्षमा प्रार्थना हम देखिए यहाँ पर मंत्र की मैं बात नहीं करूँगा, आप जो है मन ही मन क्षमा प्रार्थना कर सकते, धूप दीप आदि से आरती करके आप ये बोल सकते कि हे माता अंबिका, हे महेश्वर, हम जानते कि आज की तिथि में आप इस बेल वृक्ष में विश्राम कर रहे हैं, स्त्री वृक्ष में विश्राम कर रहे हैं, पर आप ही के पूजन के लिए हमें जो है यहाँ से बेल पत्र चयन करना पड़ रहा है, तोड़ना पड़ रहा है, इस प्रकार से जो है अगर आप बेल पत्र चयन करते हैं तो उससे आपको दोष नहीं लगेगा क्योंकि आप जो है क्षमा प्रार्थना के साथ ये कार्य कर रहे हैं। तो निषिद्ध कार्य तो ये है ही,
आप अगर नित्य पूजा के लिए जो है वो आप मतलब ये सारी कार्य मतलब इन तिथियों को, अष्टमी को, चतुर्दशी को, अमावस्या को, संक्रांति को अगर पहले से बेलपत्र तोड़ के रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। पर कई अष्टमी पर जैसे कि विशेष पूजन होता है, कई चतुर्दशी पर, शिव चतुर्दशी पर, वहाँ पर बेलपत्र की बहुत सारी आवश्यकता हो जाती है। कई अमावस्या की पूजा में जैसे बहुत सारी आवश्यकता होती है। नवरात्रि के 9 दिन, मैं इन सारी चीज़ों को अगर छोड़ भी दूँ नित्य पूजा के विषय, तो नवरात्रि के 9 दिन भी क्योंकि माँ उसमें निवास करती है, तो उस समय जो है पत्र ना तोड़ना सबसे बेहतर माना जाता है, पर पत्र तोड़ना ही होता है उस समय। तो उसमें इस क्षमादान के माध्यम से जो है ना पत्र चयन किए जा सकते। तो ये विषय उन्होंने मुझे कहा था, मैंने उनसे ये पूछा था। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताता हूँ दोस्तों, मैंने कहा था कि क्या ये जो बेलपत्र चयन के अलग से कोई क्षमादान मंत्र आदि, तो उन्होंने एक विषय कहा था कि क्षमा प्रार्थना जो है वो हर कार्य में जो है वो एक मंत्र होता है, क्षमा प्रार्थना मंत्र, उसके साथ जो कार्य आप कर रहे हैं उसका उल्लेख होता है। तो आरती विधि आदि उस इसलिए होता है क्योंकि आरती करने से हमारे कोई भी कार्य में जो भी दोष त्रुटि होते हैं ना वो चले जाते हैं, मतलब वो जो है वो समाप्त हो जाते हैं, वो दोष नहीं लगता है आरती करने से। क्योंकि शंकर पार्वती निवास कर रहे तो उनके आरती करने से वो प्रसन्न होते, उसके बाद हम क्षमा प्रार्थना आदि करके जो है उनके पूजन के लिए अगर जो है पत्र चयन करते हैं तो उसमें वो दोष नहीं लगता है। तो ये इसलिए मुझे लगा कि ये विषय जो है ना आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल मुझे मिला कि इन दिनों में ही तो बेलपत्र की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और इन्हीं दिनों में अगर बेलपत्र ना लिया जाए तो। नित्य पूजा के लिए मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप अष्टमी के दिन, आप नवमी के, आप जो है अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन, संक्रांति के दिन, सोमवार के दिन आप जो है पहले से पत्र चयन करके रखें और उसी पत्र में पूजन करने की कोशिश करें। पर अगर मैंने आपको ये विषय इसलिए बताया क्योंकि हर समय हमारे उतना ख्याल नहीं रहता, हर समय हमारे कोई विषय नहीं रहता। देखिए निषिद्ध तो कई सारे विषय हैं पर हमें जो है पूजन भी पूर्ण करना है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये विषय जो है ना आप लोगों को बताना ज़रूरी है। तो विषय यहाँ पर यही है कि निषिद्ध अगर कहा जाए तो निषिद्ध ये है, शास्त्रोक्त निषिद्ध जो है तिथि और वार की अगर आप बात करें तो वो ये है ही, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति। पर अगर जो है आप कि आपातकालीन आ जाए, जैसे आपातकालीन बोलेंगे, जैसे नवरात्रि के अगर समय जो है बेल वृक्ष में मां निवास कर रहे तो उस समय बेलपत्र, कई लोगों का तोड़ने का मन भी नहीं होता है, कई लोग ना उस समय तोड़ भी नहीं पाते हैं कि मां निवास कर रहे, तो हम जो है क्षमा प्रार्थना आरती के माध्यम से जो है ना ये कार्य कर सकते हैं। क्षमा प्रार्थना के साथ जो है आवश्यकता अनुसार निषिद्ध कर्म किए जा सकते हैं, अनावश्यक तौर पर कभी नहीं, आवश्यकता अगर हो तो तभी जो है क्षमा प्रार्थना के साथ जो है हम ये कार्य कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपको कहूँगा कि आप मन ही मन प्रार्थना करिए पर आरती अवश्य करिए। अगर आप अपने घर के जो है बेल वृक्ष से पत्र चयन करके भगवती की पूजन कर रहे हैं कि माँ हम आपके पूजन के लिए ही जो है ये पत्र चयन कर रहे, उसके लिए हमें क्षमा करें और आपकी पूजा निर्विघ्न रूप से हम कर पाए इस पत्र के माध्यम से, और इस पत्र को ग्रहण करके आप प्रति आपकी प्रति कामना के लिए ही जो है हम ये पत्र चयन करके आपकी पूजा कर रहे हैं, तो आप हमारी पूजा अवश्य ग्रहण करिएगा जो हम इस पत्र के माध्यम से करेंगे। इस प्रकार की प्रार्थना आदि करते हुए, आरती करते हुए जो है आप पत्र चयन कर सकते। देखिए दोस्तों निषिद्ध केवल बताना मुझे, क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट्स और मेल के बाद ही मुझे लगा कि निषिद्ध केवल बताना ही काफ़ी नहीं होता है, कई लोगों को ये सारी चीज़ें ख्याल ना भी रह सकता है, मतलब इन दिनों की ध्यान ना भी रह सकता है, तो क्या वो पत्र से माँ की पूजन नहीं करेंगे, वो पत्र चयन नहीं करेंगे? तो वो भी विशेष दिनों में जो है वो पत्र चयन कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए देखिए उस समय मैंने ये सुना था करीब 3 साल पहले, तो देखिए उस समय तो मेरा चैनल भी नहीं था, उस समय मुझे कुछ लगा भी नहीं था कि ये इसे किसी को बताने की ज़रूरत होगी, मैंने सर से जो सुना था एक्चुअली इस विषय में। आज देखिए आज आप लोगों के सवाल के उत्तर के रूप में जो है ना वही विषय काम आते हैं। तो कहते हैं ना सीख जो है, जो शिक्षा, जो विद्या आप कभी भी किसी से प्राप्त करेंगे ना, वो कभी ना कभी जो है आपको
इस जीवन में ही किसी ना किसी को देख कर जाना होता है। माँ आपसे आपको माध्यम करके वो विद्या जो है किसी तक पहुँचा ही देती है। तो यहाँ पर भी आज की जो हम बातें करें, आज की जो हमारी आलोचना है, उसमें ये विषय आया ही। तो ये मुझे जब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके मेल करके पूछा, तो ये विषय मेरे दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक किया और मुझे लगा कि देखिए कि क्या कनेक्शन होता है हमारा आगे मतलब अतीत के साथ वर्तमान का, और वर्तमान के साथ शायद भविष्य का भी कई जुड़ा होता है। तो सभी माँ की इच्छा है कि कब क्या होगी, वो पहले से वो चीज़ करके रखते हैं, बस समय की प्रतीक्षा होती है, समय की बात होती है सब। समय से पहले कुछ नहीं होता, समय समय पर होती है। तो जो भी हो, बिल्ल वृक्ष की बिल्ल चयन के विषय में यही विषय, बिल्ल पत्र चयन के विषय में यही था। निषिद्ध काल इसके है, पर क्षमा प्रार्थना के साथ जो है कार्य किए जा सकते हैं आवश्यकता के तौर पर। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।